आज हम सब मानव जाति के लिए और वेद विद्या वैदिक गणित जिज्ञासु साधकों के लिए विशेष रूप से शुभ दिन है। आज हिंदी दिवस है। इस हिंदी दिवस पर हम अपने पूर्वजों के प्राप्ति स्वरूप ज्ञान की उपलब्धि के उपलक्ष्य में धन्यवाद करते हैं। इस हिंदी दिवस पर हमें देवनागरी वर्णमाला पर आधारित वैदिक ज्ञान राशि जो प्राप्त हो रही है, उस सबके लिए हम अपने पूर्वजों के धन्यवादी हैं। इस हिंदी दिवस पर हमें विशेष रूप से देवनागरी वर्णमाला को जानना चाहिए। देवनागरी वर्णमाला में जो तेजोमय व्यवस्था है, जो दिव्य प्रवाह है, जो तेज प्रभावित हो रहा है, उस सबको प्राप्त करना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें अपने मन बुद्धि चित्त में तेजोमय प्राप्ति करनी चाहिए। देवनागरी वर्णमाला एक तेजोमय वर्णमाला है जो दिव्य अंक व्यवस्था को जागृत रख रही है। इस दिव्य अंक व्यवस्था के अनुसार ही वैदिक मंत्र, वैदिक सूत्र, वैदिक श्लोक सुगठित हुए हुए हैं। इन मंत्रों में, इन श्लोकों में, इन सूत्रों में जो दिव्य अंक व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था है, उसको जानने के लिए आइए हम सर्वप्रथम वैदिक गणित और के सूत्र और उपसूत्रों को जाने। उन सूत्रों का जो प्रबंध है वो 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों का प्रबंध है। इस प्रबंध को हम वैदिक गणित के विद्यार्थी, वैदिक गणित के जिज्ञासु, वैदिक गणित के साधक सर्वप्रथम प्रार्थना से ही प्रारंभ करते हैं। ये प्रार्थना ही हमें तेजोमय प्राप्ति करा के हमारी बुद्धि को तेजोमय करती है। आइए सर्वप्रथम हम इस प्रार्थना में भाग लें। एकाधिकेन पूर्वे निखिलेन अवस्थ चर्मम दशता उधर्व तिर्यग्भ्याम प्रावर्ते योजेत अनुरूपे शून्य अन्यत् संकलन व्याकलन भ्याम पूर्णापूर्ण भ्याम जलनकलन भ्याम यावधूनं व्यष्टि समष्टि शेषंकेन चर्मेण सोपानंत्यं दुपायनंत्यं एक न्यूनेन पूर्वेण गुणित समुच्चया गुणक समुच्चया ओ अनुरूपेण आदि आदेन अंतेम अंतेन केवले सप्तम गुणयात वेष्टनम यावदूनम तावदूनम यावदूनम तावदूनी कृते वर्गम चायोजे अंत्योर दशके अपि अंत्योरे गुण समुच्चय लोपना स्थापना भ्याम विलोकनम गुणक समुच्चय समुच्चय गुणिता ओ। इन सूत्रों में देवनागरी वर्णमाला की दिव्य अंक व्यवस्था के अनुसार जो
प्रत्येक सूत्र उपसूत्र के वर्णों की संख्या है, उसके सामने जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वो इस तरह से है। सर्वप्रथम 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों की जो व्यवस्था है, उन सूत्रों और उपसूत्रों में जो वर्णों का उपयोग है, उसके साम्य अवस्था में जो ब्रह्म जागृति बुद्धि को प्राप्त होती है वो इस तालिका में दी गई है। आइए हम इस तालिका को ध्यानपूर्वक तेजोमय स्वरूप से अपनाएं। ओम शक्ति ब्रह्म विद्या तेज संस्कार आत्मा शिवालय देव आकाश अमृत प्रकृति पुरुष पुरुष सत्ता जीव प्राण दिव्य गायत्री काल अणु शरीर तनु सोम द्रव्य वेद नाद अर्थ जनार्दन बीच पिंड। ओ गणित सूत्रों का निष्ठा पूर्वक प्रार्थना स्वरूप में अपनाना इस दिव्य नाद से बुद्धि में जो जागृति उत्पन्न होगी वो इन 29 सोपानों वाली होगी। इसलिए प्रत्येक वैदिक गणित के विद्यार्थी को, वैदिक गणित के जिज्ञासु को, वैदिक गणित के साधक को ये प्रार्थना करनी चाहिए और इस दिव्य नाद से बुद्धि को जागृत करना चाहिए और इस जागृति की प्राप्ति ओम सूत्र 1 के 16 वर्णों के प्रबंध के सामने है। शक्ति सूत्र 1 के 10 वर्णों के सामने प्राप्ति वाली है। इस प्रकार ओम शक्ति ब्रह्म विद्या तेज संकल्प आत्मा शिवालय देव आकाश अमृत प्रकृति पुरुष पुरुष सत्ता जीव प्राण दिव्य गायत्री काल अणु शरीर तनु सोम द्रव्य वेद नाद अर्थ जनार्दन बीज पिंड की व्यवस्था की बुद्धि में प्राप्ति होती है। आप सब निष्ठापूर्वक इस हिंदी दिवस से अपने आप को इस व्यवस्था के लिए, इस व्यवस्था के अनुसार अपनी बुद्धि को दिशा देने के लिए, इस पथ पर इस गणित के अनुसार अपने जीवन को सुगठित करें, प्रबंधित करें, अनुशासित करें। धन्यवाद।